हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। आप सबको गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ा वाला आज आप सोच रहे होंगे बहुत जल्दी माता जी उठ गई, आज हवन है ना। आज मैं रात भर सोई नहीं हूँ क्योंकि मेरी एक आदत है, अगर कोई काम ठानना है तो पूरा करना है। आज फाइनली टचअप होने वाला है, आज हमारे कामों का रिजल्ट का टाइम है। क्योंकि जैसे ही यहाँ हवन होगा वैसे ही उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बड़ा और बहुत गंदा आएगा। मैं एक और बात बोलती हूँ कि इस वक्त अभी भी अगर कोई चाहे, 12:30 बजे का टाइमिंग है, उसके बाद हवन होगा। क्योंकि हवन हो जाएगा और मैं कोई हवन में बलि बलि का काम नहीं है, क्योंकि जो बलि का काम वो बाहर हम लोगों ने करवा दिया। सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली जो कहते हैं ना रोग नाश का, अक्खा हल्दी से, जायफल से और क्या बोलते हैं काली मिर्च से, क्योंकि काली मिर्च और हल्दी से हवन करने से रोग नाश होता है। जायफल से कहते हैं ना, जायफल से हमें विजय प्राप्ति होती है। हम पीली राई से करेंगे, पीली राई से और कहते ना अक्खा उड़द, अक्खे नमक से करेंगे दुश्मनों के सर्वविनाश के लिए। ये जितने दुश्मन लगे सबका सर्वविनाश होगा। मतलब ये जो हमारे देश के पीछे पड़े हैं, लोगों के पीछे पड़े हैं, बहुत सारे लोगों का आज मति भ्रष्ट होगी, उनका जो काम होगा वो तो माँ बगला मुखी देखेंगे। उसके बाद होगा खजूर से हवन। खजूर से हवन जो मेरी बोली ना आपको, जितने मेरी टीम ने ये बगलामुखी का जाप ये सब मेरे साथ किया है, वो एक आकर्षण शक्ति हमको मिलती है। उससे चेहरा और सुंदर बनता है और खूबसूरत बनता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये आज होने वाला है। अभी भी वक्त है, अगर किसी को कुछ ऐसा कुछ चाहिए, कुछ शक्तियाँ तो बता सकते हैं। हाँ, आज मैं लोगों को एक बता रही हूँ कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है। बहुत सारे जन बोलते हैं माँ हमें खूबसूरत होना है या ऐसा कुछ वशीकरण, कुछ ऐसा चीज़ बताओ। तो वो वशीकरण का एक ऐसा चीज़ हम करके देते हैं, एक ऐसा चीज़ बताते हैं, चीज़ करते हैं कि उससे आजीवन आदमी वश में रहता है। प्लस एक ऐसी चीज़ें बताएंगे आपको खूबसूरती पाने का, जिससे कि आपके चेहरे के दाग धब्बे सब जाएंगे। वो एक शक्ति होती करके देने की, विश्व सुंदरी वाली चीज़ होती है। विश्व सुंदरी को एक मंत्र सिद्ध करके देते हैं। वो मंत्र सिद्धि के बाद आप अपने आप में धीरे धीरे, मतलब कहते हैं ना 7 दिन के अंदर ऐसा चेहरे में फ़र्क आएगा, दाग धब्बे सब हट जाएंगे कि आपको लगेगा कि क्या हो गया। दूसरी बात, ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि देखो मैं से पूरे ये जो 11 लाख जाप हुआ है ना, ये बहुत बड़ा जाप है। 11 लाख जाप, नादे अली, बहुत कुछ इसमें मिक्स हुआ है, पूरी खिचड़ी की है हमने। इसमें बहुत सारे लोगों की बैंड बजने वाली है। मैं पूरे देश के लिए की हूँ ये बात जरूर बोलूँगी। ये जो कमेंट बॉक्स में सब लिख रहे हैं ना, आरिफ शेख है वो, हमने इनका मारण क्रिया नहीं की है। हमने अभी इसको मारना नहीं है, इस बंदे को मारना नहीं है। हमें इस बंदे को गंदगी भी बहुत गंदी बीमारी में सड़ाना है। शरीर सड़ सड़ के मरे, ऑलरेडी बीमार है, सड़ सड़ के मरे। क्यों? क्योंकि इसने वो षड्यंत्र रचा। हर क्या बोलता था माने, मैं मेरे दीदी दी मेरे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, गांडू तेरे बगैर मैं पूरा पेड़ हिला के दिखाऊंगी भड़वे। तूने जिस चीज को यूज़ किया ना, मैं आज तुझे खुला ऑफर देती हूँ आरिफ शेख, मैं तुझे खुला ऑफर देती हूँ कि तू एक बार मेरे सामने आ। क्योंकि अगर मैं तू सामने नहीं आएगा तो मेरे केशो होने के बाद मैं तेरे सामने ज़रूर आऊँगी, तुझे पूरे तेरे कपड़े उतार के, तुझे पूरा मुंह काला करके पूरे गोराई में तुझे दौड़ाऊँगी और पीछे पीछे मैं रहूँगी। ना मेरे आदमी, ना कोई, ना कोई। ये झांसी की रानी तेरे पीछे पड़ेगी, बहुत बुरी तरह से तेको मारेगी, तेको मरने नहीं देगी। तेको अगर मैंने तेको ऊपर पहुँचा दिया तो ये मौत कुछ काम की है। तुझे भूखे मरना पड़ेगा। जिस जिसने तेरे साथ ये काम किया है, जिस जिसने मिलके, मुझे पता है तूने सबको मजबूर किया काम करने पे, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिसको तूने मजबूर किया वो लोग क्या कुत्ते थे? तूने तो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा। मैं आज एक बात खुला करती हूँ, ये जो हवन होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। ये हवन का ही बता रही हूँ कि हवन होने के बाद ये जो बैंड बजने वाली है, ये जो होने वाला है, ये बहुत बड़ा होने वाला है। और ये मत सोचे यहाँ हवन होगा तो ही होगा, हवन हो चुका है परसों पूर्णिमा के दिन। ये तो मैं अपनी तरफ से टैचअप दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं टैचअप देती हूँ तो क्या होता है ऊपर वाला जानता है। क्योंकि शायद तुम लोगों को पता नहीं है, मुझे गोराई से 12 लोगों का फ़ोन आया, मैसेज आया कि माँ ये लोग को छोड़ना मत। आप जब आपके घर पे आपको नशा दिया जाता था ना, तो हमारे बच्चों को बोला जाता था कि तुम लोग भी आओ बंगले पे, ऐश करो, ये करो। मेरा घर था वो, मेरा घर था और तुम्हारा भी घर था। तुम मुझे दी बोलते थे, तुम्हारा घर था वो, अड्डा नहीं था वो, तुम लोग ने उसको अड्डा बनाया था। था क्या बोलो, गलत किया था ना। मेरी दो जवान लड़कियां थी, मामा बोलती थी, शर्म आया
मेरे घर के बाहर मुझे नशा लेके मेरे ही घर वालों को घुमाया जाता था और पागल बनाने के लिए। अरे अगर मैं, मेरी माँ बगला मुखी नहीं होती, मेरी बाँ नहीं होती, तो कब का शाह सलाम मैं पागल खाने में होती और कब का मेरा प्रभु पागल खाने में होता। शर्म आया नहीं ना? कल झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे घर में एक मेरे का रेणु का काम करती है। सच बोलूँ ना, मुझे किसी ने बताया था कि आरिफ हमेशा बोलता है कि सुकड़ी मेरी, उसको सुकड़ी बोलता है, सुकड़ी मेरी सबसे बड़ी टिप्पर है। सिर्फ उसने नहीं, बहुत लोगों ने बताया था कि माँ ये आपके घर में काम करती, लेकिन हर खबर ये हम लोग को आपकी देती है। मैं झूठ, कल मैं उसको सामने बिठा दी, उसने हमने बच्चों की कसम खाई कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ठीक है, मैंने उसको बोला किया भी रहेगा तो मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि वो लोग तुम्हें खाना देने नहीं आते, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे बच्चों को मैं देती हूँ खाना पीना। आज तुम 6-7 साल से मेरे घर में काम कर रही हो, तुम्हारी ईमानदारी मेरे तरफ कितनी परसेंट होनी चाहिए? तो बोली 100, क्योंकि मेरे घर में 2 जन काम करती है 5-6 साल से, एक कविता है एक रेणुका है। मैं बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, आज तक उस दूसरी वाली का नाम कहीं नहीं आया है। मैंने उसको सामने बोला कवि कि ये कविता का नाम आज तक कहीं नहीं आया, तेरा ही नाम आया हर जगह, तेरा ही नंबर सबके पास है। तो बोलती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, एकदम हाइपर, उसकी एक आदत है, सच बोलो तो हाइपर हो जाती। मैंने उसको शांत किया, फिर मेरी बेटी ने कहा कि आंटी आप इतने हाइपर मत हो, आप जिस आरिफ शेख की बात कर रही हो ना, उस आरिफ शेख ने भी आपका नाम खराब किया है। क्या बोलता था मालूम है? कि ये तो मेरे पीछे लट्टू है, ये मेरी टिप्पर है। बोलो, ऐसा बोला है? आप सोचो, जिसने उसका साथ दिया वो बंदा उसका भी नहीं हुआ, उसको उल्टा है टिप्पर है। वो बोलती मुझे सबूत चाहिए, मैं खुद बोलती हूँ। मैंने उसको बोला क्या सबूत लेंगे? सबूत लेना करने का टाइम नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि ये टाइम है कि जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो। कोई तुमको 1 रुपये खाना खिलाने आ रहा है क्या? कोई तुमको 2 निवाला खिला रहा है क्या? मैं दे रही हूँ ना, मेरी तरफ ईमानदारी कितनी परसेंट है? लॉकडाउन में मैंने तुम्हारे घर में राशन भेजा, मैंने सब कुछ किया, मेरे तरफ ईमानदार रहो ना। ऐसे लोग तो बोलती मैंने आज तक ऐसा दीदी कुछ नहीं किया। फिर मेरी बेटी ने कहा आंटी आप जो इतना आवाज़ करके बात कर रहे हो, मेरी हम लोग को भी लगता था कि आप भी मेरी मम्मी को नशा ला के देते हो। मेरी बेटी ने उसको कहा, तो बोलती ऐसे कैसे बोलती, वो हम लोग को आरिफ को मामा बोलते थे, बोलते वो हमको बोलता था मैं नहीं देता हूँ, वो तेरे घर में देखो, वो उसका साथ दे रही थी और वो उसको बोलता है कि वो उसको ला के देती, देख तेरी मम्मी से ऊपर जाके बात करती ना, वो ला के देती। उसको शौक लग गया, मैंने कब किया ऐसा? गलत का साथ दोगे ना तो आपको गलत ही अंजाम मिलेगा। आप गलत के साथ रहोगे, सोचोगे गलत का साथ दोगे। मैं देखो पहले से बोलूँ, मैं जहाँ हूँ जैसी हूँ वैसी ही हूँ, मेरे को कोई डिगा नहीं सकता, कहीं से कोई डिगा नहीं सकता। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। अब तो मेरे बच्चे हैं मेरे पीछे, मेरी बेटी है मेरे पीछे, वो लोग सबको बोलते हैं मेरे बच्चे लोगों ने मुझे बचाया है, मेरे बच्चे मेरे पीछे है, मेरे बच्चों ने सबसे लड़े कि हमारे तक आए ना, हमारी मम्मी तक आए तो हम सबके बैंड में जाएगी। जब मेरी बेटी ने बोलना शुरू किया तो उसकी जुबान चुप हो गई, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे ये बात का बुरा लग रहा है कि उसने सबका साथ दिया या नहीं दिया। लेकिन आज उसका नाम खराब हुआ ना, पिक्चर में तो वो भी आ गई ना। ये बात तो सच है, कितनी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ उसको और मुझे मालूम थी, और बाद में वो बोलती मैंने नहीं बोला, लेकिन बहुत सारी बातें थी कि जो सिर्फ उसको और मुझको मालूम थी वो वहाँ तक कैसे गई। और जो बंदे ने बताया वो उसका आरिफ का खास बंदा था, उसने भी ये कहा कि माँ कि दीदी उसने सामने कहा कि ये मेरे उस घर की सबसे बड़ी टिपर वही है हमारे घर, मुझे हर बात वहाँ का इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन क्या मिला, कोई मतलब है? मैं आरिफ शेख तुझे एक बात कहती हूँ, तेरा जिसने भी साथ दिया, तुझे जिसने भी टिपिंग गिरी की, तूने तो सबको यूज़ किया। मैं तो इस पर 25 लाख का मानहानि का केस क्यों माफ़ करती हूँ? तू मुझे सबका प्रूफ ला के दे, एज ए रिकॉर्डिंग ला के दे, मैं सामने से बोलती हूँ। यहाँ तक कि केशव के पापा की जो वाइफ है तू जानता है, तू बोलता था ना कि मैं उसको मैसेज पहुँचाता था, मैं उससे बात करता था, मेरे सामने बोला। आप झूठ लाएगा तो भाई तेरी मर्ज़ी, लेकिन अगर बचना है, क्योंकि देख मैं चाहती हूँ अगर तुझे बचना है तो तू सबका प्रूफ दे, ये बता कि हाँ मैंने इन लोग को बोला था, ये लोगों ने सुना नहीं, मेरी गलती नहीं, मैंने तो बोला ही था, मैंने तो इन लोगों को टारगेट बनाया था, लेकिन ये लोग ने भी मेरा साथ दिया। तो जितने लोगों ने तेरा साथ दिया ना, तू उनका सबका नाम बता कि तुझे किसने ये तेरा साथ किसने दिया, मुझे और केशव के पापा को बर्बाद करने में। मैं तेरे पे से मेरे वकील को बोल के 25 लाख का मानहानि का केस हटा दूंगी, एज ए पुलिस स्टेशन में जा और पूरे लोगों का नाम बता। और तेरे पास मेरे को नाम नहीं बताने का, तेरे मुँह से नहीं, तू रिकॉर्डिंग रखता है, तेरी आदत थी, तू ना ऐसे बैठे बैठे रिकॉर्डिंग रखता था सबकी कि ये इसने ऐसा बोला ऐसा बोला, मुझे ऐसे प्रूफ के साथ बता। मैं तेरे पे से केस हटा दूंगी 25 लाख का, बाकी का तो केस चलेगा, लेकिन तुझे माफ़ कर दूंगी उस बात के लिए, बाकी बात के लिए नहीं। बाकी तो मैं तुझे
वो करूँ तो वो सामने से मारूंगे, ये बात समझ जा, इतना समझ जा। अगर तू चाहता है तो मुझे बता, क्योंकि तू डायरेक्ट मेरे घर पे नहीं आया, तुझे लाया गया है मेरे घर पे, तुझे किसने मेरे घर पे भेजा, किसने षड्यंत्र किया, ए टू जेड जाके तू पुलिस को बता। केशव के पापा को तो तेरा पर्सनल झगड़ा था, मैं जानती हूँ क्यों था, वो तेरी गलती, मेरे को बुलवा मत, तेरा ईगो हट हुआ था, लेकिन उसमें गलती तेरी थी क्योंकि तू अपने घर पे लेके जाता था। तेरे घर में जवान बीवी होते, तू जवान आदमी को घर पे लेके जा रहा है जबरदस्ती, वो भी क्यों, क्योंकि मुझसे बात ना करे, मुझसे बात ना करे करके उस घर पे रख रहा है, वो तेरे घर की गलती थी, तुझे अपने घर को संभालना चाहिए था। लेकिन एक ही बात है, अगर बचना चाहता है तो जाके पूरी पूरी बात बता दे, मैं तेरे से एटलीस्ट 25 लाख का मानहानि का केस हटा लूँगी, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। इतना तो है कि अगर मेरा केस होगा तो मुझे नंगा करके दौड़ाऊँगी मैं, बाकी तो मुझे जो प्रूफ मेरे पास है मैं चाहती हूँ तू दे, समझा। मैं बताऊँगी, कल केशव के पापा से मेरी घंटों तक बात हो रही थी, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था ना कि जुबान उनके, मतलब बोल वो रहे हैं लेकिन बोल किसी और के हैं। जब मैं उन्हें पूरी बात बता रही थी, क्योंकि उनको फंसाने को देखा जा रहा था, मैं बोली कि फिर से पुराने लोग वापस आने को देख रहे हैं, हमारे कुछ लोग फिर से पुराने लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने बात नहीं की, तो मैंने बोला फिर से आ रहे हैं, फिर से फंसाने को देख रहे हैं। क्या है ना, उन लोग को अभी तक हजम नहीं हो रहा, उनको लग रहा होगा क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरे साथ बर्षा नशे में डाला गया था ना, अब मैं एकदम अच्छी हूँ, केशव है पेट में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोगों को हजम नहीं होता, तो लोग पुराने लोगों को भेज रहे थे। तो मैंने यही कहा केशव के पापा को, देखो अभी भी फंसाने को देख रहे हैं, किसी पे भरोसा करो मत, अपनी परछाई पे भी मत करो, एक बार मरते मरते बचे हो ना। तो मुझे वही बोलते हैं कि देखो, मैंने बोला देखो बात तो तुम्हारे घर तक भी आएगी, बात तो तुम्हारे घर तक भी आएगी, क्योंकि तुम्हारे घर पे भी तुम्हारी वाइफ को सब पता था, उस तक भी बात आएगी, क्योंकि उसको बकायदा पता होते भी नहीं आए। तो उन्होंने क्या बोला, उन देखो आदमी कितना भी नीच हो लेकिन साथ देता है, तो उन्होंने यही बोला कि तू जाने दे, मैं हूँ ना तेरे साथ, बस छोड़ दे, नहीं दिया किसी ने साथ छोड़ दे, तूने लाया ना बस उससे मतलब रख, बाकी का सजा ऊपर वाला देगा। मेरे लिए ऊपर वाला नहीं देगा, मैं दूंगी। तुमने कम से कम 2 महीना निकाला है ना अंदर, मैं सबको साल भर तो निकलवाऊंगी, इसलिए प्रूफ मांग रही हूँ मैं, और मेरे पास भी प्रूफ है। देखो वो बहुत लेट आके मुझे बोले ये बात, पूजा हो चुकी है 11 लाख की पूजा हो चुकी, सब कुछ हो गया, ऊपर वाले ने ऐसी लाठी बरसाई, चला मैं बोल ही नहीं सकता, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, कितनी बड़ी लाठी बरसाई बताओ। वो कल मैंने वीडियो बनाया कि इतना बड़ा भविष्यवाणी हुआ, लेकिन उस भविष्यवाणी में उस पर भरोसा नहीं है। मैं एक बात बताती हूँ कि अगर हम लोग को कोई काम पूजे से करना होगा तो हम कल करेंगे, 5 साल या 30 साल का वेट नहीं करेंगे। जो भविष्यवाणी खुली है वो 100% सत्य है तो सत्य, जो विधि का विधान लिखा है होना ही होना है। क्यों होना है, विधि का विधान तो हम भी नहीं बचे हैं, मैं भी बहुत मुश्किलों से आ गया हूँ। मैं तो आपको बताई थी, एक बार तो भगवान ने मेरा बंगला गाड़ी सब छीन लिया था, फिर मैं वापस आई, विधि का विधान तो मुझ पर भी आया। मेरा बेटा भी हिमांशु मूड में पैदा हुआ है, पंडित जी ने कह दिया था ये बाप बेटे का कभी नहीं जमेगा, कभी साथ में नहीं रहेंगे, हो गया, मेरा बेटा आज हो गया है 14 साल का, सही बात है, नहीं है बाप के साथ। 11 साल की उम्र तक उसे तकलीफ दिया, 11 साल की उम्र तक हमने वो सब दुख देखे जो कोई नहीं देख सकता है, हर तरह का सब कुछ हो गया था, जो कभी नाम खराब नहीं होने का, नाम खराब हो गया सब दिन देखा, लेकिन उसकी मैं मरण लेकिन दुख लिखा था। और देखो बाप के लिए दुख हुआ ना, बाप अलग हो गया ना, उससे तलाक हो गया ना मेरा, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, बस। तो मुझे ऐसा लग रहे थे कि बोल वो रहे थे लेकिन बोल किसी और के थे, कि भाई ऑपरेशन हुआ था, टाके नहीं सूखे थे, आदमी डर सकता था, आदमी के साथ कुछ गलत हो सकता था। तो मैंने यही कहा हंस के, टाका इधर लगा था पेट पे, इधर नहीं लगा था, वीडियो कॉल चालू था ना, तुम सब बाहर वालों से डर लग रहा था, तुमसे तो डर नहीं लग रहा था ना, तुमको तो बोला जा सकता था कि तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आ रहा है, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ है क्या, झगड़ा हो सकता था ना, माँ बाप तो थे, चलो वो छोड़ दो, उसमें मिट्टी डालो, शायद तुम मरे तो मरे। जब तुम हॉस्पिटल में थे, तुम्हारे ऊपर वार हुआ था चाकुओं का, तुमको कोरोना पॉजिटिव बोला गया था, तब क्या हुआ था, तब प्यार कहा गया था, तब ये था कि कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उसको तो हुआ है, मैं भी मर गई तो कोरोना से। ये लास्ट ऑप्शन मैं इसलिए बोलूँ कि आज हवन होने वाला है, ये लोगों की असलियत है। तो यही बात है, असलियत तो खुलेगी, हमारे पूजा हो चुका है, हवन हो चुका है, गलत जिसने जिसने किया हर एक को सज़ा मिलेगी, चाहे कोई भी हो, बात खत्म।
केशव के पापा को पूरी तरह फंसाया गया था, मुझे और केशव के पापा को दिया गया था नशा, पर्सनली दुश्मनी निकाली गई थी। अरे यहाँ तक कि अपने दोस्त को नहीं छोड़ा, जो मैं बोलती हूँ ना नितिन परदेसी, ये लोग को, उस बंदे ने उन लोग को नहीं छोड़ा। उन लोग को तो ये भी बात पता नहीं कि वो उसका साथ दे रहे, उसके बारे में बोला गया था कि तुम लोग चुपके से उससे चीज़ें मंगाते हो, मुझे नहीं। वो पूरी तरह हर जगह से साफ निकल रहा था, हर जगह से साफ निकल के बोलता था कि वो लोग से मंगाया जाता है, मेरा तो नाम खराब किया जाता है, मेरे बच्चों को बोला गया था। उन बिचारों को तो ये भी नहीं मालूम कि उनको तक टारगेट बनाया है, वो बंदा किसी का नहीं है, समझे। तो भाई मैं एक ही बात बोलती हूँ, या तो तू कबूल कर ले, क्योंकि अभी हवन होने जा रहा है। मैं तुम लोग को तो मरने नहीं दूंगी, मैं 3 से 4 जन को तो मरने नहीं दूंगी, बीमारी लगाऊंगी और जिंदगी भर, मतलब उस बीमारी में तुम मौत मांगोगे तो भी नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल जाओगे, कोरोना मरीज को छूओगे, सब छूओगे तो भी मौत नहीं दूंगी, क्योंकि कोरोना तो मैंने हटा दिया है। और आज जो मैं विश्व का कल्याण करूँ, क्योंकि गोराई के 12 परिवार ने मुझे कॉल किया है, और 12 परिवार ने बोला है माँ अगर इनको सबक सिखा दिया ना तो देखना। और मुझे ये भी पता चला कल कि भाई गोराई में घूम रहे, क्या गोराई में घूमोगे, मैं वो 12 परिवार जो है ना बोलते अगर हम लोग ने इनको अपने बेटों या किसके साथ देख लिया ना माँ, इनको जिंदा काट देंगे हम लोग। पुलिस वालों ने बोले माँ आप सिर्फ करो आगाज करो, एक बार ये लोग एक लफड़ा करना चाहिए, इनकी बैंड बज जाएगी सबकी, हम सब इनकी बैंड बजाएंगे, हमको बस पुख्ता प्रूफ चाहिए, एनकाउंटर कर देंगे। सीधा एनकाउंटर का बात आया है कि ये लोगों को एनकाउंटर कर दो, इधर से हटाई दो, गायब कर दो, सोचो इतना बड़ा बात आया है। मुझे और केशव के पापा को बहुत कम टाइम स्पेंड करने मिलता है, कल हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे तो वो हाँ मुझे बता रहे थे एक और बात, मेरे फ्रेंड का परसों शादी की सालगिरह थी, वो अपनी बीवी के साथ आए थे, मेरी बहन लगती वो, केक कट हो रहा था तो उसने मुझे केक खिलाया और मैंने वीडियो बना दिया कि उन्होंने मुझे केक खिलाया, मैंने फेसबुक पर डाला। बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, विद्या देवी कभी किसी से छुपाती नहीं है, दोस्त क्या पहली पसंद ही वही थे पहले मेरी, 7 साल से उस आदमी को जानती हूँ, लेकिन उस आदमी ने मुझे हमेशा देवी रूप माना, मुझे कभी ऐसा मेरी उंगली भी टच नहीं की है, क्या कहता था नहीं आप मेरे लिए देवी हो, क्योंकि जब मैं चावल का कंजी खाता था ना उस वक्त आपने आके मुझे संभाला है, तो आप मेरे लिए देवी रूप हो, मैं मानता हूँ मुझे पसंद, लेकिन वो पसंद नहीं, वो अट्रैक्शन पावर है बस और कुछ नहीं। और दूसरी बात, मैं सामने से बोलती हूँ हर, और बहुत कम औरतों में गर्स होता है ये बात बोलने का, मैं तो उसको सामने से बोल रही थी, केशव के पापा तो बाद में आए, वो तो नशे की दुनिया में आए, लेकिन वो आदमी को मैं दिल से मानती थी, 7 साल मैं उसको 7 साल से जानती थी, मैंने उसको हमेशा सामने से कहा कि मुझे अपना बना लो, तुमको मतलब अपने, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे अपना बना लो, प्रॉब्लम क्या है। उसने क्या कहा मालूम है, हाथ जोड़ के ये बात तो मेरी उन बहन को भी नहीं पता, उसने कहा, मैं उसकी बहन को ना, मैं अपनी बहन को ब्यूटीफुल बोलती हूँ, बहुत अच्छी है वो, मैंने कहा, उसने यही कहा हाथ जोड़ के, मैं अपनी ब्यूटीफुल से बहुत प्यार करता हूँ, अगर आप मेरी पैसों से मदद इसलिए कर रही है कि आप मुझे प्यार करती, मुझे पाना चाहती, तो मुझे पैसे बिल्कुल मत दो, लेकिन अगर मुझे दिल से मानती हैं तो प्यार 2 तरह के होते हैं, एक होता है पूजा और एक होता है प्यार। तो उस आदमी ने उस प्यार को पूजे का नाम दिया था ना, है ना ईमानदार, 7 साल उंगली भी टच नहीं किया है, बाजू में बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तो उसने मुझे परसों बस केक खिला दिया, तो केशव के पापा कल मुझे एक झापड़ मार दिए, झूठ नहीं बोलूँगी, कि तुमने केक क्यों खाया, शादी की सालगिरह उसकी थी कि तुम्हारी थी, मैंने बोला उसकी थी, उसने मुझे केक खिला दिया, क्यों खाया, नहीं खाने का, मतलब इतना चिढ़ है उनको कि कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, केक खिलाना दूर की बात है। मेरे लिए हम यूपी वाले, हमारे में चलता है, वो भी यूपी, हम यूपी वाले, हमारे में इतना हंसी मजाक चलता है, बोलता है हमारे में नहीं चलता है, तो मैं नीचे मुंडी करके हंसने लगी, मैं बोली तुम्हारे में तो क्या क्या चलता है वो तो पूरी पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हारे में तो क्या क्या चलता है तुम्हारी दुनिया देख रही है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे में फिलहाल ये सब नहीं चलता। तो आदमी की इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, ईमानदारी बड़ी चीज़ होती है, वही ईमानदारी यहाँ रहनी चाहिए थी। अगर इंसान प्यार करता था, मैं समझती हूँ केशव के पापा और मुझे फंसा दिया गया था, नशे की दुनिया में हम एक हो गए थे, वो औरत भी चाहती तो बचा सकती थी, अपने प्यार का वास्ता दे सकती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो ऐसा कुछ करो मत, नहीं, या तो ये मुझे बोल सकते थे, लेकिन हम दोनों एक ही मजाक पे, मुझे केशव पापा एक ही बात बोलते, ये लास्ट है आज का, बता रहा था कि केशव पापा बोलते ना किसी के बोलने से तुम मुझे छोड़ने वाली हो, ना किसी के बोलने से मैं तुम्हें छोड़ने वाला, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि अब जिंदगी भर का नाता बना है केशव की वजह से। तो मैंने वही कहा, तो उनको जब मैंने बताया कल वो जो बच्चे का डाला था, तो बोलते ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, मेरी विधि का विधान कोई नहीं बता सकता, उन्होंने उनको थोड़ा तकलीफ हो गई, बोलते ऐसा होगा तो मैं तो क्या होएगा। मैंने बोला ये होने दो, ये जब मैं तुम्हें गोद में दूंगी ना, गोद में देने के बाद मैं तुम्हारा माइंड पढ़ूंगी कि क्या बोलना।
अभी कैसा है, कहते हैं मैंने क्या बोला, छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जब अपना अपने गोद में आता है ना, अपना खून अपने गोद में आता है ना, तो इंसान की नीयत, दिमाग सब कुछ बदल जाता है। तो होने वाला है हवन, और आज विद्या देवी में इतना गढ़ से अगर प्यार की रहेगी तो बताएगी, किसी के साथ सोई रहेगी तो बताएगी। मैंने केशव के पापा को ये भी बात बोला, वो आदमी मुझे, मैं उसको मानती थी, अट्रैक्शन पावर था, तुमने मुझे उससे छीना है। शायद अगर वो अगर वो ठीक से रहता करता तो शायद तुम मेरे पास कभी नहीं आते। लेकिन मैंने पैसों से हर तरह से मदद की, वो चाहता तो फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन कभी फ़ायदा नहीं उठाया, इज्जत किया, देवी रूप माना, समझे? तो उसको गलत नहीं बोलो, लेकिन हाँ जहाँ तक सही गलत की बात है, तो एक दोस्त इंसान रह सकता है। मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदार हूँ, मुझ पर कभी शक हो तो बिंदास डॉक्टर के पास ले चलना, क्योंकि आज की तारीख में एक औरत अगर, कहते हैं दिन भर में भी किसी के साथ, आदमी के साथ सोई रहेगी, सालों में भी अगर किसी के साथ सोई रहेगी ना, तो डॉक्टर पूरी रिपोर्ट दे देते कि औरत इतने साथ सोई है। मैं आपसे जब से मिली हूँ, उसके बाद, उसके पहले भी मेरा डीएनए टेस्ट करवा लेना, अगर किसी मेरी रिपोर्ट में आ गया, उस दिन तुम्हारा जूता मेरा सर, बस बात खत्म। तो ये होती है औरत की सच्चाई। औरत अगर ईमानदार है, सामने वाला आदमी ईमानदार है, कोई डिगा नहीं सकता। तो आदमी में होना चाहिए प्यार, तो उसको बोलते उस आदमी को जिसको मैं पैसे वैसे सब दे रही थी, लेकिन उसने मुझे हाथ जोड़ के क्या कहा कि मैं अपनी ब्यूटीफुल से बहुत प्यार करता हूँ। ये होता है ईमानदारी। पैसे को ठुकरा दिया आदमी ने, लेकिन बीवी और इज्जत को नहीं ठुकराया, इसको बोलते हैं जेंटलमैन। हाँ पैसा सबको चाहिए, लेकिन इज्जत बेच के नहीं, इसे कहते हैं आदमी, समझे? ये बात मुझे इसलिए मैंने यूट्यूब पे बताई है कि बहुत सारी बातें हमको लोगों तक पहुँचानी रहती कि ईमानदारी को, और आज वो ब्यूटीफुल मुझे बहुत मानती हैं, उसको मालूम है सारा बात, वो तो सारा बात बोलती हैं, सामने से बोलती हैं, लेकिन नहीं, आज वो हम दोनों के बीच में गड़े, अभी आज हम तीनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यही बात होती ईमानदारी की। और आज जो हवन होने वाला है उसमें होगा लास्ट चेक टचअप, और उसके बाद होगा बवाल। चाहे बता दें।